गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट नंबर क्लास 12 का 26 पढ़ाया था, मानव का तंत्रिका तंत्र। आज जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो है 27वां, मानव के सेवदान। मानव के सेवदान, तो देखिए पाठ का नाम है मानव के सेवदान। हमारे शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अनेक अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम संवेदी अंग या सेवदान कहते हैं। मानव शरीर में 5 प्रकार के सेवदान, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, पाए जाते हैं। 5 प्रकार के सेवदान पाए जाते हैं, जैसे ये हमारा ब्रेन है। इसमें जो पहला आपके सामने है इसको बोलते हैं नेत्र। पहला जो सेवदान है उसका नाम है नेत्र, जिसका कार्य है केवल देखना और संतुलन बनाना। इसके बाद में दूसरा जो है वो है नाक, जिसका कार्य है सूंघना। जिसका कार्य क्या है? सूंघना। इसके बाद है जीभ, तीसरा है जीभ। जीभ का कार्य है चखना या स्वाद, टेस्ट अनुभव करना। इसके बाद में जो आपके सामने है कर्ण, कान चौथा सेवदान है, जिसका कार्य है देखना। जिसका कार्य क्या है? देखना। और उसके बाद में अंग है त्वचा। त्वचा का जो यहां पर है वो है आपके सामने स्पर्श। क्या आएगा इसका? स्पर्श करके। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर या मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों को हम सबसे पहले नेत्र है, नेत्र का कार्य है देखना। दूसरा जो आपके सामने है नाक है, नासिका, जिसका कार्य है सूंघना। तीसरा है जीभ, जिहा, जिसका कार्य है चखना। चौथा जो आपके सामने है करण, करण का कार्य है देखना। और पांचवा है आपके सामने त्वचा, जिसका कार्य स्पर्श करना। तो ये सेवदान हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। आज हम किसकी जिसकी संरचना पढ़ेंगे वो है सबसे पहले नेत्र। क्या पढ़ते हैं? नेत्र। तो देखिए मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। मानव की दृष्टि कैसी होती है? मानव की दृष्टि यानी प्राइमेट या मानव की जो दृष्टि होती है वो द्विनेत्री होती है। कैसी होती है? द्विनेत्री होती है। तो देखिए नेत्र की संरचना आज हम पढ़ेंगे। नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो देखिए नेत्र की संरचना में सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये वो स्तर है जो भीतर की तरफ है, अंदर की तरफ जो स्तर है उस स्तर को हम बोलते हैं, इस स्तर को हम बोलते हैं रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है, रेटिना के ज्येष्ठ जो भाग होता है बीच में, जिसको मैं मोटा बना रहा हूं,
ये देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं इसको? रक्तक पटल, कोरोइड, कोरोइड बोलते हैं इसको। ये आपके सामने देखिए कोरोइड दिखाई दे रहा है। तो ये जो पट है नीचे का, इसको तो हम बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना, और भारी जो इस तरह इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, या इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरा। तो यहां पर एस सी आर, ये तीन स्तर हो गए नेत्र के। इसके बाद में इधर चलते हैं सामने, तो सामने देखिए ये आपके सामने जो दिखाई दे रही स्थिति, ये है सीलियर काय। क्या बोलते हैं इनको? सीलियर काय। ये नेत्र है, देखिए ये आपके सामने नेत्र है, ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं सीलियरी काय, सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सीलियर बॉडी। इसके जस्ट सामने चलिए, ये एक उभार बन रहा है, इस उभार को हम क्या बोलते हैं? इसके बाद में फिर बाहर चलिए तो एक फिर उभार बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए ये जो बाहर का है इसको हम बोलते हैं शौच मंडल या कोर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कोर्निया। ये जो हमारे सामने है इसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं इसको? लेंस। इसमें कौन सा द्रव भरा होता है नेत्र में? तो उस द्रव को बोलते हैं काचाव द्रव, काचाव द्रव, विट्रस उमर, विट्रस उमर, वी एच। यहां पर जो भाग है इस भाग को हम क्या बोल रहे हैं? तो इस भाग को हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट यहां पर जो भाग है उसमें भरा है उसको बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद विक्वस हुमर, विक्वस हुमर, ठीक है। ये नेत्र है, ये आपके सामने लग रही है सीलियरकाय, ये सीलियरकाय है। ये जो आपके सामने है यह है परिकारिका, परिकारिका जिसको आयरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरिस। और यहां पर जो आपके सामने इस प्रकार से है इसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवा। तो देखिए आपके सामने यहां पर हम आते हैं तो यहां कुछ अंधेरा है, सॉरी अंधेरा नहीं, आपका जो भाग है उसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? पीत बिंदु, येलो स्पॉट। यहां पर जो आपके सामने भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को हम बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व है, यह है ऑप्टिक नर्व। इसके बाद में जैसे नीचे होता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, ये। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने नेत्र की संरचना बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद में ऐसी संरचना है, देखिए आपके सामने इनको हम इस प्रकार से ये बन रही हैं। तो देखिए मानव में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। नेत्र की संरचना को प्रारंभिक दृष्टि से देखें तो इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं दृढ़ पटल। पहला भाग कौन सा है? दृढ़ पटल, जिसको बोलते हैं स्क्लेरॉइड, स्क्लेरा। दृढ़ पटल जो होता है नेत्र का सबसे भारी परत होती है, जो संयोजकत्व से बनी होती है, और दृढ़ पटल जो होती है इसको हम स्क्लेरा भी
कहते हैं। दृढ़ पटल के बाद में जो भाग पाया जाता है उसे हम लकतक पटल या कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे ये स्थित होता है, ये भाग यानी कोरोइड दृढ़ पटल के ठीक नीचे पाया जाता है। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। किसका? रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। नीचे आइए, नीचे देखते हैं तो तीसरा स्थल हमें दिखाई देता है दृष्टि पटल, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। यह सबसे भीतरी भाग है जो लेंस के जस्ट सामने स्थित होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके आगे चलते हैं तो चौथा भाग आता है आपके सामने तरल कक्ष। कौन सा आता है? तरल कक्ष, लिक्विड चैम्बर। तो देखिए आपके सामने यहां पर दो चैम्बर हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पहला चैम्बर देखिए, यहां पर नेत्रोद्रव्य या इसको हम बोल सकते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस ह्यूमर। तो देखिए जो एक्वस ह्यूमर होता है आपके सामने, ये कॉर्निया या शोचमंडल और लेंस के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम नेत्रोद्रव्य या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम नेत्रोद्रव्य या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, साथ में कॉर्निया की सफाई करने का कार्य करता है। अब दूसरे की बात करते हैं काचाभ द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, तो देखिए आपके सामने दूसरा द्रव्य है काचाभ द्रव्य। काचाभ द्रव्य का मतलब होता है जो कांच के समान स्पष्ट दिखाई दे, उस भाग को क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव्य या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। काचाभ द्रव्य देखिए आपके सामने नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम काचाभ द्रव्य या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा द्रव्य है, यानी दो कक्ष होते हैं, एक कक्ष को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, दूसरे कक्ष को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके बाद हमारा पांचवा बिंदु आता है नेत्र की ग्रंथियां। नेत्र की ग्रंथियां, तो देखिए नेत्र में ओनली तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेत्र में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखिए ग्रंथियां बहुत है, लेकिन यहां पर तीन ग्रंथि कौन सी उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ग्रंथि है आपके सामने यहां पर देखिए, पहली ग्रंथि है और दूसरी और तीसरी। पहली ग्रंथि का नाम है मी बो मियन ग्रंथि। क्या नाम है? मी बो मियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि जो होती है वो पलकों के नीचे पाई जाती है, पलकों की जो बुरोनिया होती है उसके नीचे पाई जाती है। इसका कार्य पलकों को चिकना बनाए रखना और झटकों से बचाना होता है। मीबियन ग्रंथि के जस्ट नीचे जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है मोल ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? मोल ग्रंथि। मोल ग्रंथि को हम सीलिया ग्रंथि भी कहते हैं। मोल ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? सीलिया ग्रंथि भी कहते हैं। जो मोल ग्रंथि होती है वो किसमें खुलती है? उटिका या फोलिकल में खुलती है। चलो आगे आते हैं, तीसरी जो ग्रंथि है आपके सामने उसका नाम है लेक्राइमल। क्या नाम है? लेक्राइमल या अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि, तो इनकी संख्या आपने पढ़ा है, इनकी संख्या तीन होती है, तीन। अब तीन जोड़ी होती है लेक्राइमल या अश्रु ग्रंथि जो होती है इसको हम बोलते हैं आशु ग्रंथि। इनका प्रमुख कार्य होता है नमकीन जैसे पदार्थ का स्त्रावण करना, यानी आशुओं का स्त्रावण करना। ये जो अश्रु ग्रंथि है ये तीसरे नंबर की ग्रंथि है। पिछली बार 2018 में राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से लेक्राइमल कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि है, तो आप बताएंगे लेक्राइमल ग्रंथि बहिस्त्रावी ग्रंथि है। तो आप ध्यान रखिए लेक्राइमल ग्रंथि को हम अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये ग्रंथि की चर्चा हो गई है। अब आते हैं
पांचवें बिंदु पर, पीक बिंदु, ठीक है। यम स्पॉट नेत्र लेंस के जस्ट सामने जो भाग पाया जाता है, ये पीले रंग का भाग होता है जिसको हम पीक बिंदु एलो स्पॉट कहते हैं। पीक बिंदु के अंदर एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको हम मेकुला लुटिया कहते हैं, मेकुला लुटिया। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, मेकुला लुटिया बोलते हैं, जो किसमें पाया जाता है, पीक बिंदु में पाया जाता है, एलो स्पॉट में पाया जाता है। पीक बिंदु के जस्ट नीचे एक और बिंदु पाया जाता है जिसे हम अंत बिंदु कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। अंत बिंदु में शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, इसलिए यहां पर अंधेरा होता है और अंत बिंदु पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, अंत बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसके बाद में जो हमारा भाग आता है वो आता है दृष्टि तंत्रिका। तो हम बताएंगे पीक बिंदु के ठीक नीचे जो तंत्रिका पाई जाती है उसे हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मस्तिष्क या ब्रेन से होता है। आवेगों का संचरण दृष्टि तंत्रिका कहां करती है, मस्तिष्क में करती है। इसके बाद में हम अन्य भागों के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कॉर्निया है, स्वच्च मंडल है, सातवां भाग। कॉर्निया जैसे लेंस के सामने उभरा हुआ भाग पाया जाता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया की वक्रता के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, ज्यादा हो जाए तो दोष, कम हो जाए तो दोष। तो आपके सामने कॉर्निया है, कॉर्निया भाग को हम ध्यान दान कर सकते हैं, ऐसा भाग है, ठीक है। इसके बाद में है सीरियल भाग। लेंस को जिस पेशियों के द्वारा स्थिर किया जाता है उसे हम सीरियल तार कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीरियल तार। और तारेनुमा संरचना को हम प्रोफिल तारा कहते हैं। इसके बाद सीरियल तार के जस्ट नीचे जो भाग पाया जाता है उसे हम परितारिका या आयरिस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके सामने नेत्र की संरचना हो गई है। दोबारा देखें, एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। एक प्रारंभिक नेत्र की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं, जैसे पहला भाग था आपके सामने दृढ़ पटल जिसे स्क्लेरा कहते हैं, दूसरा भाग रक्तक पटल है जिसको कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल सबसे भारी भाग है, दो संयोजक से बना होता है, दृढ़ मजबूत होता है। स्क्लेरा के नीचे जो भाग पाया जाता है उसे रक्तक पटल कहते हैं, जिसे कोरोइड भी कहा जाता है। इसमें रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तीसरा जो भाग होता है रेटिना, ये रेटिना जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। रक्तक पटल के नीचे जो भाग पाया जाता है उसे हम रेटिना कहते हैं। नेत्र का जो सबसे भीतरी भाग है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना भाग पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा होता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना दृष्टि पटल भाग पर बनता है। चौथा जो आपके सामने भाग है, चौथा कहां है, चौथा भाग देखिए तरल कक्ष। नेत्र के अंदर दो कक्ष पाए जाते हैं, एक कक्ष को बोलते हैं काचाल कक्ष, एक को बोलते हैं नेत्रोद कक्ष। नेत्रोद कक्ष में क्या होता है कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे हम नेत्रोद द्रव्य कहते हैं। नेत्र द्रव्य को हम इक्वेसोमर कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कॉर्निया को चिकना बनाए रखना तथा साफ करने का कार्य होता है। दूसरा जो द्रव्य होता है विट्रोसोमर या काचाल द्रव्य होता है, जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है उसे हम काचाल द्रव्य कहते हैं। काचाल द्रव्य कांच के समान बिल्कुल क्लियर या साफ होता है, कांच के समान होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा है इसमें पांचवा भाग पीक बिंदु। नेत्र लेंस के सामने जो भाग पाया जाता है जो पीले रंग का होता है उसे हम पीक बिंदु कहते हैं। पीक बिंदु के अंदर एक कक्ष पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम मैकुला लुटिया कहते हैं। पीक बिंदु के ठीक नीचे दूसरा बिंदु पाया जाता है जिसे हम अंत बिंदु कहते हैं। अंत बिंदु पर शलाकाएं और शंकु अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहां प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि रेटिना के ठीक नीचे जो तंत्रिका पाई जाती है उसे हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। दृष्टि तंत्रिका का संबंध मस्तिष्क से होता है, ये इसका प्रमुख कार्य आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना है। इसके बाद में हम सातवें भाग की बात करते हैं, तो आपके सामने यहां पर है नेत्र की ग्रंथियां, पांचवा भी आ गया नेत्र की ग्रंथियां। तो देखिए तीन ग्रंथियां होती है, पहली है मीबियन, मीबो
इनका कार्य नेत्र की सुरक्षा करना व झटकों से बचाना। दूसरा है मूल ग्रंथि, मूल ग्रंथि को हम सीलियर ग्रंथि भी कहते हैं, सीलियर कार्य भी कहते हैं। तीसरी लैक्रिमल ग्रंथि है, इसे अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। अश्रु ग्रंथि से नमकीन जैसा पदार्थ स्रावित होता है जो आपके सामने नेत्र या कॉर्निया की सफाई करता है और साथ में उसको साफ सुथरा रखता है। तो यह हमने पढ़ा है। इसके बाद में देखिए ये सीलिकाय है, नेत्र लेंस के जो समायोजन का कार्य तो सीलिकाय के द्वारा होता है। इसके बाद फुफिल है, नेत्र में तारे जैसी संरचना होती है जिसे तारे फुफिल कहते हैं। फुफिल के पास में परितारिका आदि जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये नेत्र की संरचना थी, कंप्लीट याद हो गई होगी आपको। इसके बाद में देखिए नेत्र की संरचना के बाद, यानी नेत्र की संरचना कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेत्र की क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? नेत्र की क्रियाविधि। तो देखिए नेत्र की क्रियाविधि जटिल क्रिया होती है जिससे हम निम्न भागों में बांटते हैं। इस भागों में बांटते हैं, निम्न भागों में इसकी संरचना को हम बांटते हैं या वैसे भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने नेत्र की क्रियाविधि, देखिए नेत्र की क्रियाविधि, आप देखिए नेत्र की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ आई, नेत्र की क्रियाविधि को हम निम्न चरणों में बांटते हैं। निम्न चरणों, पहला है नेत्र संप्रेषण, दूसरा जो भाग है नेत्र प्रतिबिंब व प्रकार, दो बिंदु एक जगह लिख देते हैं प्रतिबिंब प्रकार। तीसरा है नेत्र समंजन, चौथा है आवेग का संचरण, आवेग का संचरण। पांचवा जो बिंदु है वो है नेत्र दृष्टि, नेत्र दृष्टि। और अंतिम जो भाग है वो है आपके सामने दृष्टि की जैव रसायनिकी। तो देखिए नेत्र की क्रियाविधि को हम निम्न चरणों में बांटते हैं। पहला है नेत्र संप्रेषण, नेत्र प्रतिबिंब प्रकार, नेत्र समंजन, आवेग का संचरण, नेत्र दृष्टि, दृष्टि और दृष्टि की जैव रासायनिकी संरचना। तो देखिए सबसे पहले है नेत्र संप्रेषण क्या है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु को देखना है तो देखने से यहां से संवेदनाएं संवेदी अंग के पास जाती हैं। संवेदनाएं संवेदी अंग कहां पहुंचाता है? नेत्र में पहुंचाता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल से होते हुए नेत्र लेंस में जाती है, नेत्र लेंस से रेटिना पर पहुंचती है। इसमें फिर आता है नेत्र पर प्रतिबिंब। तो देखिए आपके सामने जब संवेदी वस्तु से संवेदनाएं संवेदी अंग के माध्यम से रेटिना पर दृष्टि पटल पर जाती है तो वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है तो ये याद रखिए उल्टा और वास्तविक होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। इसके बाद में नेत्र समंजन या छपका बोल सकते हैं। कॉर्निया की वक्रता को घटा बढ़ाकर नेत्र का समायोजन किया जाता है, उसे क्रिया को हम नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं या नेत्र फॉक्सर कहते हैं। इसके बाद में आता है आवेग का संचरण। तो देखिए आपके सामने जो वस्तु से संवेदी अंग संवेदनाओं को कहां पहुंचाते हैं? रेटिना के पास पहुंचाते हैं। रेटिना का संबंध किससे होता है? दृष्टि तंत्रिका से होता है। दृष्टि तंत्रिका से संवेदनाएं कहां पहुंच जाती है? मस्तिष्क के पास पहुंच जाती है। कहां पहुंचाती?
मस्तिष्क के पास पहुंच जाती है। ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से सेंद्रिय मस्तिष्क के पास पहुंच जाती है और जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए आपके सामने नेत्र दृष्टि कैसी है मानव की। मानव या प्राइमेट्स स्तनधारी जो जीव होते हैं उनमें द्विनेत्री दृष्टि पाई जाती है। मानव या प्राइमेट्स के अंदर द्विनेत्री दृष्टि पाई जाती है और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आकृति होती है वो त्रिमीय होती है। कैसी होती है? त्रिमीय। और दृष्टि कैसी होती है? द्विनेत्री दृष्टि। ठीक है, अब आते हैं दृष्टि की जीव रासायनिक जो इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेत्र की दृष्टि द्विनेत्री दृष्टि होती है। वस्तु की प्रतिबिंब जो बनता है त्रिमीय बनता है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो बात है दृष्टि की जीव रासायनिक की क्या होती है, जैसे दो संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक को हम बोलते हैं शंकु पॉन्स और दूसरे को हम बोलते हैं शलाकाएं। क्या बोलते हैं? शलाकाएं, रॉड्स ये होती हैं। शंकु कोशिका के अंदर जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम है रोडोक्सिन। कौन सा नाम है? रोडोक्सिन वर्णक पाया जाता है। अब देखिए रोडोक्सिन जो वर्णक होता है इसका जब अपघटन होता है तो आपके सामने पहला बनता है लूमी रोडोक्सिन। इसके बाद फिर इसका अपघटन होता है तो बनता है मेटा रोडोक्सिन। मेटा का जब विखंडन होता है अपघटन होता है तो दो बनता है, एक को बोलते हैं स्कोटोक्सिन और एक को बोलते हैं रेटिनिन। क्या बोलते हैं? रेटिनिन। जो रेटिनिन होता है विटामिन ए का उत्पन्न होता है। जब अंधेरे में स्कोप्टेशन और आपके सामने रेटिनिन दोनों क्रिया करते हैं तो वापिस क्या बनाते हैं? रोडोक्सिन बनाते हैं। तो आपके सामने देखो प्रकाश में कम दिखाई देता है इसे रतौंधी लोग कहते हैं। तो वो किसकी कमी के कारण होता है? जब इसकी मात्रा कम हो जाती है रोडोक्सिन की तो हमें प्रकाश में कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। इसके बाद है शलाकाएं। शलाकाओं के अंदर अनेक प्रकार का जो वर्णक होता है उसे हम आयोडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आयोडॉक्सिन वर्णक बोलते हैं। आयोडॉक्सिन का जो यहाँ पर कार्य है यानी शलाकाओं का जो कार्य है वो रंग भेद है यानी रंगों की जानकारी करना है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। जैसे प्राथमिक रंग को हम बोलते हैं हलानी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग को हलानी। है का मतलब हरा, ला का मतलब लाल और नी का मतलब नीला। नीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया। तो हरा किसके द्वारा? वर्ण के द्वारा नियंत्रित होगा, क्लोरोलेब। हरे रंग को कौन नियंत्रित करेगा? क्लोरोलेब नियंत्रित करेगा। लाल को कौन करेगा? एरिथ्रोलेब नियंत्रित करेगा, ये वर्णक नियंत्रित करेगा। और नीले को कौन करेगा? साइनोलेब वर्णक नियंत्रित करेगा। तो ये आपके सामने नेत्र की क्रियाविधि कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।